गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि हम शहीद आजम भगत सिंह जी की जो जेल की डायरी है उसको आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप सब जानते हैं देश का जो युवा वर्ग है वो चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय का रहा हो या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में रहा हो या वर्तमान में हो, हर काल में हर समय में भगत सिंह हर युवा के मन में बसे हुए एक नायक के रूप में रहे हैं। और भगत सिंह जी ने जो सपना युवाओं के लिए देखा उसको हर युवा आज भी उसी तरीके से देखता है। पर जिस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जो कुर्बानी दी और कुर्बानी दे करके देश के जो आज़ादी के समय जो सोए हुए लोग थे, सोए हुए युवा थे या सोई हुई सरकार थी, सोए हुए हुक्मरान थे, उन सबको जगाने के लिए लाहौर में एक बम फोड़ा और उसमें उनके साथियों के साथ बाद में उनको अरेस्ट किया गया। आप सब जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी का जो सम्मान उस समय जो था आज भी उतना ही सम्मान बरकरार है, पर ये जो सम्मान है वो युवाओं में तो उतना ही बरकरार है, पर अगर हम देखें तो सत्ता के गलियारे उस समय के हों या इस समय के या बीच के दौर में जो सरकारें आईं, हुक्मरान जो आए, उन्होंने भगत सिंह जी के साथ न्याय नहीं किया। और मैं आज आपके सामने जो जेल डायरी का जो ये व्याख्यान लेकर के आया हूँ उसके पीछे भी ये लगभग यही कहानी है। जैसे मैंने एक दिन आपको पहले कहा था जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक लाइव किया था, तो जो बाबा साहब के साथ हुआ वही जैसा लगभग भगत सिंह जी के साथ भी हुआ। और भगत सिंह जी को उनकी जो शहादत है, उनका जो शहीदी जो उनकी जो शहीद हुए उसके बाद भगत सिंह को उतना सम्मान नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो मैं आपको एक व्याख्यान में तो नहीं बात कर सकता, पर भगत सिंह जी की जो डायरी की जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो डायरी है उस जेल की डायरी को आप सब जानते हैं, जेल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साल नहीं सदियों तक सुरक्षित रहते हैं। और जब वो जेल की डायरी सुरक्षित थी तो सरकार ने अपनी तरफ से उसको प्रकाशित करने का काम अपने हाथों में जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया। और वो क्यों नहीं लिया ये तो आप बखूबी जानते हैं कि सरकारों की जो उदासीनता है वो जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक है उसमें कुछ एक को छोड़ करके अधिकांश के प्रति आज भी सरकारें उदासीन हैं, उनके परिजन उदासीन हैं। और मैं तो केवल स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं है, आज भी जो हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों के साथ क्या बीतती है। जब वो शहीद होते हैं तो शहीद होने के बाद जब जैसे ही उनकी देह उनके पैतृक गांवों में या जगहों पर आती है तो कुछ लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए शायद वहाँ पहुँच जाते हैं, और अधिकांशतः ये देखा गया है कि उनके परिवारों की कोई भी बाद में कोई उसको देखने वाला शायद नहीं होता है। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो इस देश की जो असली जो चेहरा है, इस देश का जो हुक्मरानों का जो असली जो चेहरा है वो आप हम सबके सामने आता रहता है। पर अगर सब सच में देखा जाए तो इस देश के जो युवा हैं उनमें भी एक तरह की उदासीनता अब घर कर रही है। उन युवाओं को, देश का जो अधिकांश युवा है उसको शिक्षा
का उतने अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि शिक्षा के उनको से दूर करके, शिक्षा उनसे छीन करके उनको एक तरीके से धर्म भीरु बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि भगत सिंह जी ने जो है अपने जितने भी जो अपना जो साहित्य है, जिसकी आज हम एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें जो कही हैं कि वो किस तरह धर्म के खिलाफ थे। और उन्होंने एक बहुत चर्चित एक लेख लिखा जो आज के हर युवाओं को पढ़ना चाहिए। मैंने कल सोशल मीडिया पे ये जो पोस्ट डाली थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से मैंने पूछा, भाई जेल भगत सिंह जी की जेल की जो डायरी है आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है। मुझे दो या तीन कमेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ, पढ़ी है वो जेल की डायरी। वो जेल की डायरी नहीं है, पर वो जेल की डायरी का एक अंश है जो उन्होंने बाद में जा कर के उसका उसमें जिक्र किया। जेल की डायरी जो भगत सिंह जी की है वो लगभग 403 पन्नों की डायरी है, और उस डायरी को के एक एक पन्ने पे जो भगत सिंह जी ने उस समय जो लिखा है उसको आप अगर देखेंगे, हम देखेंगे तो हम उसमें पाएंगे कि भगत सिंह जी का जो क्रांतिकारी जो स्वरूप था उसके साथ साथ उनका जो दार्शनिक जो स्वरूप था वो भी डायरी के उन पन्नों में बखूबी दर्ज हुआ है। और आप देखेंगे उसमें कि भगत सिंह जी ने जो अपनी जो डायरी के जो लिखी, उस डायरी को भारत सरकार ने आज तक पब्लिश नहीं किया। पर आपको ये बता दूं, राजस्थान के युवाओं का ये सौभाग्य है कि उसका जो पहला जो प्रकाशन हुआ वो जयपुर से ही हुआ, और जयपुर में किन्होंने किया उसके बारे में भी मैं जिक्र करूँगा। पर मैं आपके सामने जो बातचीत कहना चाहता हूँ, बातचीत जो रखना चाहता हूँ, वो यही है कि हम एक एक डायरी का जो पृष्ठ है उन पृष्ठों पर जो भगत सिंह जी ने जो लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके पीछे का एक उद्देश्य जो है वो यही है कि जो देश का जो युवा है वो युवा भगत सिंह को अपना नायक तो मानता है, पर भगत सिंह के बारे में शायद उनकी डायरी, जेल डायरी के बारे में उतना नहीं जानता कि कोई जेल डायरी थी भी, या थी तो उसमें क्या था, या वो प्रकाशित हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी तो कब हुई थी, ये सारे जो सवाल है उनको उनकी तह में जा कर के हम आपके सामने उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आपसे यही कहूँगा कि हमने आज का जो शीर्षक दिया है वो शीर्षक यही दिया है कि भगत सिंह जी की जो जेल की जो डायरी है उसमें वो इतनी रेयर है, इतनी दुर्बल है, इतनी यूनिक है कि उसके बारे में जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना उसको प्रचारित किया जाए उतना ही कम है। और ये जो भगत सिंह जी की जो जेल की जो डायरी है उसको हमने देखिए, 400 पन्ने की जो डायरी है उसको एक बार में तो नहीं लाया जा सकता है। हम उनके किस्तों में, मतलब पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको वो अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट्स करके उसके बारे में बताइएगा कि आपको वो पसंद आ रही है तो हम उसकी जो है एपिसोड के रूप में, उसके पार्ट्स के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं जो भगत सिंह जी की जो डायरी है, ये डायरी का जो पहला पन्ना है उसमें उसका जो शीर्षक है वो यही दिया हुआ है, शहीद आजम की जेल की नोटबुक। और शहीद आजम भगत सिंह जी की जो जेल की डायरी है ये उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भगत सिंह जी के द्वारा जो जेल में जो रहे वो 1929 से लेकर के 1931 के अध्ययन में किए गए नोट्स और उसके उदाहरण हैं। हम इस पर जब व्यापक रूप से जब चर्चा करते हैं तो पहले जो प्रश्न में उसके शीर्षक पर हम पाते हैं, तो पहला जो प्रश्न है उसको हमने, मैंने आपको बताया कि हम एक एक प्रश्न पर उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ
है या उसके बारे में हम उसकी जो लिखने के पीछे की जो मंशा है, जो भाव है, उसमें क्या है, तो हम ये एक संक्षिप्त रूप में इसको देख सकते हैं कि अगर हम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी हुई उनकी डायरी को पढ़ें तो हमें एहसास होगा कि भगत सिंह न केवल एक पाठक, विचारक, बल्कि एक बेहतरीन कवि और लेखक भी हैं, लेखक भी थे। तो अब तक ये देखा गया है कि भगत सिंह जी को जो है एक केवल क्रांतिकारी माना गया है, पर जितने बड़े वो दार्शनिक हैं, जितने बड़े वो लेखक हैं, उनके बीच में डायरी में जो कई सारे जो पन्ने हैं उनके जो कवि होने का जो एहसास हमें कराते हैं, और जिन लोगों ने भगत सिंह जी के ऊपर काम किया है, तो जो बहुत बड़े बड़े जो कवि हुए हैं, चाहे वो कीट्स हुए हों, चाहे उसे दूसरे उसके कॉलरेज हुए हों, इस तरह के जो बड़े जो उस दौरान उस समय के जो पोइट्स और कवि हुए हैं, उनके समकक्ष लोग उनको रखते हैं। भगत सिंह से जी से जुड़ा हुआ जो दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि मात्र 19 साल की उम्र में देश सेवा के लिए घर छोड़कर निकलते हैं, और भगत सिंह ने एक चिट्ठी में उस समय एक चिट्ठी लिखी थी जब वो 19 वर्ष के थे। 19 वर्ष के समय में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने चिट्ठी में कहा था कि मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह है देश की स्वतंत्रता। मतलब जो उन्होंने जो अपना जो लक्ष्य तय किया था, जो उन्होंने अपने जीवन का जो उद्देश्य तय किया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक था, देश को उस समय स्वतंत्र करवाना। इसलिए कोई भी आराम या सांसारिक सुख मुझे नहीं लुभाता है। तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि भाई मेरा जो पहला और आखिरी जो जीवन का जो उद्देश्य है वो देश की स्वतंत्रता है, और इसी वजह से मुझे जो सांसारिक सुख और दूसरी जो चीज़ें हैं जीवन से जुड़ी हुई वो मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितनी मुझे देश की स्वतंत्रता दिलाने का मेरे मन में लक्ष्य है। तो आप देखेंगे और पाएंगे कि जो दूसरा जो पृष्ठ है जो डायरी का, उसमें टाइटल पेज के बारे में लिखा हुआ है और इसमें उसकी जो डायरी का जो है वो संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ है कि उस डायरी में क्या क्या उन्होंने लिखा और क्या क्या उसका स्वरूप था। आपको हम ये बता दें कि वो डायरी जो है वो 404 पृष्ठों की है और उसमें नीचे ये हस्ताक्षर किए गए हैं उस समय और आज भी जो है वो जेल के जो मैनुअल्स हैं, जेल के जो नियम हैं, उसमें ये कहा गया है और कहा वर्णित है कि जब कोई भी कैदी जेल में जाता है तो वो अपनी इच्छा से कुछ लिख पढ़ सकता है, पर जब अगर वो लिख पढ़ सकता है तो वो जो लिखने के लिए जो नोटबुक मांगता है या डायरी मांगता है या लिखने के जो पन्ने मांगता है, तो उसका वो जो जेलर है, उस समय भी यही नियम था, आज भी यही नियम है, तो वो उसके पहले और आखिरी पन्ने पर उस कैदी के जो जेल में होता है जिसने डिमांड की है उसके और जो जेलर वहाँ अपॉइंट होता है उसके, दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि ये इसमें कितने पन्ने हैं और हर पन्ने पे जो है उस पर उसकी नंबरिंग की जाती है। तो वो जो पन्ने थे वो 404 पन्ने उनको उस टाइम पे दिए गए थे और उसमें जो तिथि जो दी गई है वो 12 सितंबर 1929 की दी गई है। 12 सितंबर 1929 को भगत सिंह जी को जो है जेल में डायरी उपलब्ध करवाई गई थी उनकी मांग के आधार पर। उसमें ये प्रविष्टि जेल अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को कॉपी देते समय की गई है। नीचे भगत सिंह के दो पूरे हस्ताक्षर हैं और दो लघु हस्ताक्षर हैं। उसकी अभी हम आपको आगे वाली स्लाइड्स में दिखाएंगे कि उनके हस्ताक्षर का जो है वो किस तरह का जो स्वरूप था, वो भी एक बहुत रोचक और दिलचस्प बात है। प्रश्न के ऊपरी दाएं किनारे पर अंग्रेजी में भगत सिंह का नाम लिखा हुआ है। आप अभी अब अगले की स्लाइड में हम दिखाएंगे। जैन मैनुअल्स और नियमावली के आधार पर जानकर जानते होंगे, जब भी कोई कैदी लिखने के लिए कॉपी मांगता है तो जेल अधिकारियों को कॉपी के शुरू और अंत में ऐसा लिखना होता है। कैदी को भी प्राप्त करते समय वह हस्ताक्षर करना होता है। भगत सिंह के हस्ताक्षर अंग्रेजी में टाइटल पेज पर मौजूद है और 12 सितंबर
1929 की तिथि के साथ कॉपी के अंत में भी। नोटबुक की जो डुप्लीकेट हस्तलिखित कॉपी है वो जीवी कुमार हुजा को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से मिली थी, उसमें नीचे बाएं कोने पर अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, प्रतिलिपि शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय कुमार सिंह द्वारा तैयार की गई है। नोटबुक आम स्कूली कॉपी के आकार की थी और लगभग 6.75 x 8.50 इंच या कहें कि उसको 17.50 x 21 सेंटीमीटर की कॉपी उसका साइज था। तो ये जो है उनकी जो है जो नोटबुक है उसके बारे में प्राइमरी जो जानकारी है वो ये उपलब्ध होती है हमको। और उसमें उस समय की जो अगर हम साथ साथ भगत सिंह जी के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में अपने इनिशियल स्टेटमेंट में अपनी बात कही कि भगत सिंह जी को जो है आज का जो युवा अपना नायक तो मानता है पर उसके बारे में शायद जानता कम है, तो इसीलिए हमने उसमें साथ साथ आपको कुछ संक्षिप्त परिचय भगत सिंह जी का देने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसमें सच पूछो तो जी हाँ, अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने की कसम खा चुके भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में शादी से बचने के लिए घर छोड़ दिया था। घर वाले भगत सिंह जी की शादी करना चाहते थे और उन्होंने जो है शादी को नकार करके, शादी को छोड़ करके, और उसके क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। आप ये भी जानते हैं कि भगत सिंह जी का जो जन्म है वो 28 सितंबर को पंजाब के लायलपुर के पाकिस्तान में हुआ था 1907 में। भगत सिंह को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे राजगुरु सुखदेव के साथ लाहौर साजिश के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। यहाँ पर भी एक बहुत बहुत दिलचस्प पहलू है जिस पर हम कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं। और वो चाहे पहलू ये है कि आप अगर उस समय का साहित्य पढ़ेंगे या उनके बारे में जो रिसर्च हुई है वो पढ़ेंगे तो ये पूर्ण रूप से पाया गया है कि भगत सिंह जी ने या उनके साथियों ने जो बम विस्फोट किया था उसका कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। और चश्मदीद गवाह नहीं होने की वजह से कई उस समय के जो न्यायाधीश थे न्यायाधीशों ने केस की सुनवाई से मना कर दिया था। उसके बाद जैसा अंग्रेजों की जो कॉन्स्पिरेसी होती रहती थी वो षड्यंत्र रचते रहते थे, उन्होंने उस समय का जो हिंदुस्तान था, उस समय का जो भारत देश था, उसमें से दो लोगों को लोभ लालच और प्रलोभन देकर के तैयार किया और उन्होंने भगत सिंह की झूठी गवाही दी और झूठी गवाही देने के बाद उनको अकूत संपत्तियां इस देश में बांटी गई। और वो संपत्तियों का अगर आप चाहोगे तो उसका हम अगले जो एपिसोड्स आएंगे उसमें उसका पूरा जिक्र ले विवरण लेकर के आ सकते हैं, वो मेरे पास उपलब्ध है। और वो लोग किस विचारधारा से जुड़े हुए थे मैं इस पर भी पूरी आपके तफसील से विस्तार से पूरी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अभी तो यही है कि उनको जो मौत की जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें राजगुरु जी और सुखदेव जी उनके साथ थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि जॉन के कहने पर ही वरिष्ठ क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा के अंदर दो बम फेंके जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सब घटनाओं को लाहौर साजिश का नाम दिया जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो घटना है ये लाहौर साजिश के नाम से इतिहास में दर्ज है, लाहौर में, क्योंकि लाहौर के असेंबली में ही ये बम फोड़ा था और उसमें जो है भगत सिंह जी और उनके जो साथियों हैं वो उसके अगर आप डिटेल्स वो पढ़ेंगे तो वो बम फोड़ने के बाद जो है वो गिरफ्तार भी होना चाहते थे, ऐसे भी कई सारे वो होते हैं वो बम फोड़ करके भागना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे ये जो डायरी हमें जो वस्तुतः जो बताती है डायरी से हमें जो संदेश जो मिलता है वो जेल में रह कर के और जेल में से भी अंग्रेजों के खिलाफ उस मुहिम को जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन को की लड़ाई को तेज कर रही थी, तो उस समय के जो वो है वो जेल में भी उन्होंने इस तरह के अपने वो बयान वगैरह दिए थे
जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अपनी गति पकड़ सके। इवन जेल के डायरी के जो पन्ने हैं, जेल डायरी के जो पन्ने हैं उसमें ये भी कहा गया है कि उस समय जो अंग्रेज जिन भारतीयों को इंग्लैंड की जेलों में जाकर के डाल देते थे, वहाँ उनकी जो दुर्दशा थी उसके लिए भी भगत सिंह जी और उनके जो साथी थे वो यहाँ से भारत की जेलों से आवाज़ उठाते थे और उनकी वहाँ जो स्थिति थी उसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। तो ये जो था वो दूसरा प्रश्न था जो कि भगत सिंह जी की जो जेल डायरी है उससे लिया गया है। तीसरा जो प्रश्न है उस पर हम जब चर्चा करते हैं तो उसका जो स्वरूप है वो आपके सामने है। इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें जो है भगत सिंह जी की जो है वो पेजों की संख्या दी हुई है। ये डायरी में 404 जो है ये पेज हैं जो कि उस समय साइन किए गए हैं। ये उस टाइम जो जेलर हैं उनके साइन हैं और ये जो साइन है ये पूरे जो साइन है फुल साइन भगत सिंह जी के हैं और ये शॉर्ट जो साइन है ये भी भगत सिंह जी के हैं। और ये जो साइन है ये स्टार्ट में और एंड में दोनों जगह पे दिए हुए हैं। तो ये उस डायरी का पहला जो पन्ना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे वो है, जिसमें जो है उसमें डेट पड़ी हुई है कि ये 12 सितंबर 1929 को जो है उनको दी गई थी। नीचे उसके बारे में उसके जो डिटेल दी हुई है ये भगत सिंह जी के जो है वो साइन है और कॉपी बाय ये अभय कुमार सिंह जो है इनको, ये वहाँ पे जब जेल से जो डायरी दी थी उसके बाद जो उसके साइन है। अब जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जेल के दौरान अपने अंतिम दो वर्षों में भगत सिंह और उनके साथियों ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अदालती केस लड़ा। ये केस की अगर आप कहानी देखेंगे तो इस केस पे भी कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं कि उस समय के जो नामी वकील थे वो उन्होंने केस लड़ा। उस समय के जो नामी वकील थे उसमें एक सवाल ये भी आया कि गांधी जी ने भी एक नामी वकील थे, गांधी जी ने भगत सिंह जी का केस क्यों नहीं लड़ा। इस तरह के सवाल जो हैं वो हम आगे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने न केवल अपने क्रांतिकारी संदेशों को फैलाने के लिए अदालत का प्रयोग किया, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उनका जो उद्देश्य था वो बम फोड़ करके भागने का या उससे डर कर भागने का नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि वो जब आप अगर इसको देखेंगे, मैंने कल आपको जो शेयर किया था इसका जो थंबनेल जो शेयर किया था उसमें भी लिखा हुआ है कि भगत सिंह जी ने जो बम फोड़ा था वो बहरों को आवाज़ देने के लिए फोड़ा था ताकि लोग सुन सके। तो उन्होंने उस अदालत के उसमें फैलाने का प्रयोग किया, बल्कि ब्रिटिश जेलों में क्रांतिकारियों के साथ होने वाले अमानवीय सलूक के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। हालांकि मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी हो गई, लेकिन फिर भी अपने अविश्वसनीय संकल्प और विश्वास की वजह से वे आज आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। क्योंकि मैं आपसे शुरू से ही कह रहा था कि आज का युवा, आज का हो या स्वतंत्र आंदोलन के समय का हो या बीच में जब भी होता है, जब भी आप देखते हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में भगत सिंह के नारे गूंजते रहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते रहते हैं, तो ये सारी की सारी जो है वो भगत सिंह जी का जो डायरी का जो तीसरा जो पेज है उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सामने रखी गई है। आगे जो पेज है उस पेज के बारे में हम बात करते हैं तो ये प्रश्न दो है और ये जो दो प्रश्न है इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसकी जब लिखा था तो केवल इसमें दो मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं और इन मेजरमेंट में लिखे हुए हैं जमीन के माप जो लिखे हुए हैं उसमें जर्मन जो 20 हेक्टर होता है वो 50 एकड़ अर्थात एक हेक्टर ढाई एकड़ का होता है। ये उन्होंने जो है जमीन की इसमें माप का दिया हुआ है। और इसी में ऊपर आपने देखा फुटनोट, दो फुटनोट बने हुए, एक ये एक नंबर का फुटनोट ये और एक दूसरे नंबर का फुटनोट ये। पहले नंबर का जो फुटनोट है वो रेफर करता है कि नोटबुक की पृष्ठ संख्या
टाइटल पर से गिनी गई है, मतलब उसका जो पहला जो पेज था उससे गिनी गई है। कोष्टक में दी गई संख्या उन प्रश्नों की है जिन पर लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए प्रश्न दो, दो के बाद तीन प्रश्न सादे हैं और असली अगली लिखावट प्रश्न छः पर और इसके तीन पर। नोटबुक में बीच बीच में कुछ प्रश्न नहीं है तथा कई प्रश्न खाली छोड़े गए हैं। कुछ कुल 145 प्रश्नों पर भगत सिंह ने नोट्स लिए हैं। दूसरा जो फुटनोट है उसमें ये कहा गया है, नोटबुक के प्रश्न दो पर जमीन की माप संबंधी सिर्फ इन्हीं दो इकाइयों हेक्टेयर और एकड़ के आपसे तुलना अंकित है। ये जो है डायरी का दूसरा है, बाकी के कुछ पेज जो हैं इसके बाद के खाली है। तो ये सेकंड पेज है जो कि उन्होंने सिर्फ इसमें जो है दो लाइनें लिखी हुई है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके बारे में ऐसी कई बातें हम सभी जानते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए चार किताबें लिखी थी। कितनी किताबें लिखी थी? चार। हालांकि उनके द्वारा लिखी गई सभी किताबें नष्ट हो गई या नष्ट कर दी गई। ये जो चारों की चारों जो किताबें हैं वो कभी प्रकाश में नहीं आ सकी कि भगत सिंह ने उन चार किताबों में क्या लिखा था। पर जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज ये मिलते हैं कि भगत सिंह जी ने चार किताबें उस समय लिखी थी, पर वो या तो नष्ट कर दी गई या वो छुपा दी गई। पर जो उनकी याद के तौर पर बच गई है वह है उनकी जेल की डायरी, जो हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। वह डायरी जिसमें उन्होंने कविताएं लिखी, नोट्स बनाए और साथ ही कुछ बेहतरीन लेखकों की कुछ अच्छी पंक्तियां भी लिखी हैं। ये डायरी सितंबर 1929 से मार्च 1931 के बीच लिखी गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को सौंप दी गई। जैसा कि हमने पिछले वाले जो पेज है उस पर आपको बताया था कि वहाँ उनके जो भतीजे अभय सिंह जी का जो है साइन है जिसको वो डायरी दी गई। आगे के प्रश्न पर हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि डायरी का जो पेज छः है और यहाँ पे जो है उसको हम तीन गिना रहे हैं, क्योंकि जो तीन चार और पाँच ये तीनों जो है वो खाली छोड़े हुए हैं। और इसमें उन्होंने जो उस समय की जो पहली जो उनकी जो एंट्री थी वो जमीन के नाप से संबंधित थी, जो हेक्टेयर को और एकड़ को उसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसी से जुड़ी हुई। यहाँ पे एक उनका जो एंट्री है उसमें संपत्ति से मुक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है, संपत्ति की स्वतंत्रता जहाँ तक छोटे पूंजीपति और किसान संपत्ति धारकों का सवाल है, संपत्ति से मुक्ति बन गई। विवाह अपने आप में पहले की भांति ही वेश्यावृत्ति का कानूनी तौर पर स्वीकृत रूप और औपचारिक आवरण बना रहा। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जो लिया है ये उस समय एक किताब थी, सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपिया, ये उससे उन्होंने लिया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह जी जो इशारा जो कर रहे हैं वो महिलाओं की जो स्थिति है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो विवाह जो है, विवाह एक तरह से वेश्यावृत्ति के कानून के तौर पर स्वीकृत के रूप में था, मतलब औरतों की जो इच्छा है, महिलाओं का जो इच्छा का जो सम्मान है उसके लिए भगत सिंह के मन में औरतों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत कुछ था। और उन्होंने ये स्टेटमेंट जो लिखा है, शायद हमारी जो माँ बहनें हैं उनकी जो स्थिति आज भी जो दयनीय स्थिति बनी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म का जो एक स्वरूप जो है वो जो धर्म का स्वरूप है वो शोषणकारी स्वरूप है। उसमें महिलाओं को कहीं पे भी ना कोई अधिकार है, ना कोई इनकी कोई व्यक्तिगत सम्मान है, ना उनकी आवाज़ को कहीं सुना जाता है। और अक्सर जो हमें जो शास्त्रों के माध्यम से आप उसमें देखते हैं तो धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के शोषण की जो बात है तो वो महिलाओं के शोषण की बात। पर काश आज भी वो धर्म ग्रंथ जो हैं वो आप सब हम के द्वारा पढ़े जाते हैं और उनके ऊपर शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, पर भगत सिंह जी के मन में उस समय जो थी वो सारी बातें ये आती हैं। दूसरी उनकी जो एंट्री है वो दिमागी गुलामी को लेकर के है, एक शाश्वत सत्ता ने मानव समाज को वैसा ही रचा जैसा वह आज है, तथा श्रेष्ठतर और सत्ता के प्रति समर्पण
देवी इच्छा से ही निम्नतर वर्गों पर लागू किया गया है। उपदेशक गण, उपदेश मंच, प्रेस की ओर दिए जाने वाले इस संदेश ने आदमी के दिमाग को सम्मोहित कर रखा है और ये शोषण के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। ये जो है उन्होंने ओरिजिन ऑफ द फैमिली नामक किताब की जो भूमिका है, अनुवाद की भूमिका है, उसमें से इन्होंने लिया है। और ये उनके बारे में जो सत्ता के प्रति उनके मन में जो था और जिस तरह की सत्ता और आदमी के प्रति उनका जो व्यवहार था सत्ता में, सत्तासीन लोगों का या हुक्मरानों का, उसके प्रति ये एक भाव उनका दर्शाता है। पृष्ठ संख्या 4 पर उन्होंने एंजल्स की जो किताब है ओरिजिन ऑफ फैमिली, जो कि ऊपर भी उन्होंने ये लिखी है, उसी में से उन्होंने कहा कि आदिम समाज के इतिहास में एक तर्कसंगत व्यवस्था प्रस्तुत करने का प्रयास सबसे पहले मॉर्गन ने किया है। वह इसे 3 युगों में बांटता है, जो आदिवासी समाज का, जो इंडिजिनस पीपल्स का जो के बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा कि जो मॉर्गन ने उस समय पर जो लिखा है वो जो है उसको 3 युगों में बांटता है। पहला है असभ्यता, दूसरा है बर्बरता और तीसरा है सभ्यता। इसी में वो असभ्यता को फिर से 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, निम्नतर, मध्य और उच्चतर। असभ्यता का निम्नतर अवस्था जो है मानव जाति की शैशवावस्था को वो मानते हैं। और इसमें जो रेफरेंसेज जो दिए हुए हैं उसमें फ्रेडरिक एंजल्स की किताब है समाजवाद काल्पनिक एवं वैज्ञानिक, और फ्रेडरिक एंजल्स की एक दूसरी किताब है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। ऐसे ही लुईस एच मॉर्गन की जो किताब है, 1818 में लुईस का जन्म हुआ, 1881 में उनकी डेथ हुई, और अमरीकी समाजशास्त्री जिन्होंने 1877 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्राचीन समाज एंशियंट सोसाइटी एंड रिसर्चेज इन द लाइन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस फॉर सोवर्जी एंड बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन में लिखा है कि विस्तृत सामाजिक अध्ययन के आधार पर इतिहास के विकास की भौतिकवादी धारणा को पुष्ट किया है। और एंजल्स ने अपनी पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की संपत्ति में लिखने में मॉर्गन द्वारा सामग्री को आधार बनाया गया। तो ये इनका जो है चौथा जो है प्रश्न है। इसमें आप अगर देखते हैं तो जो भगत सिंह जी की जो जेल डायरी है उसके बारे में उसमें जो जितनी भी एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को हमने आगे दिखाने की कोशिश की है, तो उसमें भगत सिंह जी ने जिस भाषा का जो इस्तेमाल किया है वो अंग्रेजी और उर्दू का काम इस्तेमाल किया है। उन्होंने ज़्यादातर जो है डायरी जो लिखी है वो अंग्रेजी में लिखी है और उसमें कुछ जगह जो है वो उर्दू में भी लिखी हुई है। ये कोई आम डायरी नहीं है, उर्दू और अंग्रेजी में लिखी गई इस डायरी के पन्ने अब पुराने हो चले हैं, लेकिन इसमें दर्ज एक एक शब्द सरफरोशी की समा जला देते हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की उस ऐतिहासिक दस्तावेज का जिसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में लाहौर पाकिस्तान में लिखी थी और बाद में वो प्रकाशित हुई थी। ये डायरी, आपको एक बात और बता दूं कि ये जो डायरी जो है ये प्रकाशित जो हुई थी, इस प्रकाशित होने के पीछे भारत का या भारत के लोगों का कोई रोल नहीं है। इस डायरी की सबसे पहले जो चर्चा थी वो रूस के एक इतिहासकार ने की है, और उन्होंने इस डायरी के बारे में रूस में अपनी एक किताब लिखी थी लेनिन एंड इंडिया, उसमें एक चैप्टर लिखा था इस डायरी के बारे में। और आप उनकी देखिए, उनकी जो उनका समर्पण है, जो रूसी विद्वान है उनका समर्पण है, वो इस डायरी की जब खबर उनको कहीं से मिली थी, वो रूस से चलकर जहाज से इंडिया आए थे और इंडिया में आकर के जो भगत सिंह जी के जो भतीजे थे उनसे सबसे पहले उन्होंने वो डायरी जो है देखी थी। और देखने के बाद आप देखिए उनका उनकी जो सोच है वो कितनी बड़ी थी, उन्होंने उसकी एक फोटोकॉपी जो है वो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल जो लाइब्रेरी है 3 मूर्ति दिल्ली में, उसकी एक फोटोकॉपी उन्होंने वहाँ रखवाई थी। और उसको उसमें से जब उनको पढ़ करके और उन्होंने वहाँ जाकर के वापस रूस गए और रूस जाकर के उन्होंने उस डायरी के ऊपर एक पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा था उस किताब में लेनिन एंड इंडिया में, जिसकी चर्चा हम दूसरे वाले स्लाइड में करेंगे।
इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो डायरी का जो 6 नंबर का जो प्रश्न है उसमें उन्होंने जो आदिम सभ्यता की जो बात कर रहे थे या सभ्यता की बात कर रहे थे, जो उन्होंने जो रेफरेंसेस जो दिए थे उसमें वो पेड़ों पर रहना, भोजन था फल, गिरी फल, कंदमूल, ये आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। सुसंगत बोली का विकास इस काल की प्रधान उपलब्धि है। मध्यावस्था में जो वो बात कर रहे हैं उसमें आग की खोज हुई जो उन्होंने आदिवासियों ने किया, फिर मछली को भोजन के रूप में प्रयुक्त किया, शिकार के लिए पत्थर के औजार आविष्कृत किए और मानव मांस भक्षण अस्तित्व में आ जाता है। तीसरी जो बात लिखते हैं वो लिखते हैं उच्चतर अवस्था की बात, जिसमें धनुष बाण, कुल्हाड़ी नहीं, ग्रामीण बस्तियां, घर बनाने में इमारती लकड़ी का इस्तेमाल, कपड़े बुने जाने लगे। असभ्यता की अवस्था में धनुष बाण के वैसे ही थे जैसे बर्बरता की अवस्था में लोहे की तलवार और सभ्यता की अवस्था में आग्नेयास्त्र यानी प्रभुत्व के हथियार थे। ये उन्होंने अपने जो है 4th पेज का ही जो है उसमें लिखा है। और ये 5वें पेज में वो बर्बरता के बारे में लिखते हैं कि निम्नतर अवस्था में कुल्हाड़ी का आरंभ हुआ। पहले लकड़ी के बर्तनों पर मिट्टी के परतें चढ़ाई जाती थी, लेकिन बाद में चलकर मिट्टी के बर्तन आविष्कृत कर लिए गए। मानव जातियों दो स्पष्ट रूपों में विभाजित थी, पूर्वी जो मानव जानवर पालती थी और अनाज पैदा करती थी, पश्चिमी जिनके पास सिर्फ मक्का था। तीसरी जो अवस्था है उसमें मध्य अवस्था की जब बात करते हैं, पश्चिमी गोलार्ध अर्थात अमेरिका के वे खाद्य फसलें उगाते थे, खेती और सिंचाई से संबंधित थे, घर बनाने के लिए ईंट पकाते थे, पूर्व में दूध मांस के लिए पशुपालन करती थी, इस अवस्था में कोई खेती नहीं थी। तीसरी जो अवस्था थी उसमें उच्चतर अवस्था की बात करते हैं, कच्चे लोहे का गुलाना, दस्तावेज लिखने के लिए अक्षर लिपि का विकास और उसका इस्तेमाल, इस अवस्था में अनेक आविष्कार होते गए। यूनानी नायकों का यही काल था। बड़े पैमाने पर मक्का की खेती करने के लिए पशुओं द्वारा लोहे के हल खींचे जाते थे, जंगलों की कटाई, लोहे की कुल्हाड़ियाँ और लोहे की कुदालें इस्तेमाल आने लगी। ये यहाँ पे जो है रेफरेंस जो दिया है या भगत सिंह ने हाशिए पर लिखा है, वेनिजन शिकार से प्राप्त पशु मांस। ये उनका जो है 4th और 5वां पेज है। यहाँ पे हम जो आपको पिछली उसमें जो बात कर रहे थे उसको हम आपको और विस्तार से बताना चाहते हैं कि रूसी विद्वान जो थे एलवी मित्रोखिन, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1981 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेनिन एंड इंडिया में पहली बार भगत सिंह की दुर्लभ जेल डायरी के अंश प्रकाशित किए थे। पर इससे पहले भी ये डायरी 1977 में एलवी मित्रोखिन ने फरीदाबाद में रह रहे भगत सिंह के भाई कुलवीर सिंह के पास देखी थी। जैसा कि मैंने बताया वो रशिया से जो है इंडिया आए थे इस डायरी के लिए 1977 में, और फिर 1981 में आकर के उन्होंने इसका एक जो अध्याय है वो अपनी किताब में लिखा था जिसका नाम था लेनिन एंड इंडिया। इस किताब में इन्होंने एक इसका पूरा चैप्टर लिखा था। अब हम भगत सिंह की उस ऐतिहासिक जेल नोटबुक की पर चर्चा पर आते हैं जो पहली बार 1993 में जयपुर में इंडियन बुक क्रॉनिकल में पहली बार इंडिया में जो ये किताब जो पब्लिश हुई उसको प्रकाशित करने का श्रेय जयपुर को है, और वो 1993 में क्रॉनिकल में MRTS नोटबुक के नाम से प्रकाशित हुई थी और इसका संपादन जो है वो भूपेंद्र आहूजा ने किया था। इस डायरी के आरंभ में दी गई परिचयात्मक टिप्पणी के अनुसार इसकी हस्तलिखित डुप्लीकेट प्रतिलिपि एक पैकेट के रूप में पहली बार जीवी कुमार आहूजा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के तत्कालीन कुलपति को 1981 में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के दौरे के समय स्वामी शक्तिवेश से मिली थी। ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो रूसी जो वैज्ञानिक थे, रूसी जो विद्वान थे मित्रोखिन, इन्होंने भगत सिंह के जो भतीजे से या भाई से जो है वो किताब को देखा और देख करके उसकी एक कॉपी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखवाई। उसके बाद ये कॉपी कहीं हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति के पास मिली और इसको छापने का जो श्रेय है वो जयपुर को है कि जयपुर ने सबसे पहले इस किताब को
1993 में छापा। आगे जब हम इस पे बात करते हैं तो देखते हैं कि ये महान उपलब्धियों के बारे में ये बात करते हैं, लोहे के उन्नत औजार बनने की बात करते हैं, भाथिया जानता कुम्हार का चाक, तेल और शराब निकालना, धातुओं की ढलाई, गाड़ी और रथ, जहाज निर्माण। प्रश्नों पर फिर वो लिखते हैं कलात्मक वास्तुशिल्प, शहर और कला का निर्माण, होमर युग पूर्ण मिथक शास्त्र। इन उपलब्धियों के साथ ही यूनानी तीसरी सभ्यता में प्रवेश कर जाते हैं और संक्षेप में असभ्यता, बर्बरता, सभ्यता, ये सारी बातों का जिक्र करते हैं। इस प्रकार हमें मानव विकास की तीन अवस्थाओं के आमतौर पर मेल खाते हुए परिवार के तीन मुख्य रूप मिलते हैं। असभ्यता के काल में यूथ विवाह, बर्बरता के काल में युग्म विवाह, सभ्यता के काल में एकनिष्ठ विवाह। ये व्यभिचार और वेश्यावृत्ति के समान उसको मानते हैं। ये देखिए यहाँ पे भगत सिंह जी ने जो नोट लिया है वो बहुत बहुत ध्यान देने वाला है। यहाँ पे वो विवाह को जो है वो एक आदिम स्थिति का जो विवाह है उसको वो नारी की बराबरी का विवाह मानते हैं। फिर युग्म विवाह को भी वो जो है बर्बरता काल में भी नारियों की स्थिति को अच्छी मानते हैं, पर जब सभ्यता का जो काल हुआ तो यहाँ एकनिष्ठ विवाह के साथ साथ व्यभिचार और वेश्यावृत्ति की बातों को वो करके शादी जैसे विवाह और एकनिष्ठ उसकी बर्बरता की जो कहानियाँ हैं उसको, दासियों के ऊपर पुरुषों का शासन और बहुपत्नी विवाह का प्रवेश हो जाता है, ये सारी बातें वो नोट करते हैं अपनी डायरी के छठवें पृष्ठ में। ऐसे ही वो सातवें पृष्ठ में विवाह के दोष के बारे में बात करते हैं, खासतौर से एक दीर्घकालीन लगाव, 10 मामलों में से 9 में व्यभिचार का एक पक्का प्रशिक्षण स्कूल होता है, जो वो विवाह के बारे में बात करते हैं। समाजवादी क्रांति और विवाह संस्था के बारे में वो अपने नोट्स लेते हैं और वो कहते हैं अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित विवाह का वर्तमान आर्थिक आधार उतने ही निश्चित रूप में, और ये आगे के प्रश्न पर आपको पढ़ने को मिलेगा, मिट जाएगा जितने निश्चित रूप में एकनिष्ठ विवाह के अनुपूरक का वेश्यावृत्ति का आर्थिक आधार मिट जाएगा। एकनिष्ठ विवाह की प्रथा एक व्यक्ति के और वह भी एक पुरुष के हाथों में बहुत सा धन एकत्रित हो जाने के कारण और इस इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी कि वह यह धन किसी दूसरे की संतान के लिए नहीं केवल अपनी संतान के लिए छोड़ आए। इस उद्देश्य के लिए स्त्री की एकनिष्ठता आवश्यक थी, पुरुष की नहीं। इसलिए नारी की एकनिष्ठता से पुरुष के खुले या छिपे बहुपत्नित्व में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, परंतु आने वाली सामाजिक क्रांति स्थायी दायाद्य धन संपदा के अधिकतर भाग को यानी उत्पादन के साधनों को सामाजिक संपत्ति बना देगी और ऐसा करके संपत्ति की विरासत के बारे में इस सारी चिंता को अल्पतम कर देगी। पर एकनिष्ठ विवाह चूँकि आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या इन कारणों को मिट जाने से भी मिट पाएगा, ये यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आगे जैसा मैंने आपसे कहा कि वो एक कवि के रूप में भी अपना उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तो उमर खय्याम की उन्होंने जो है वो ये वो लिखे हुए हैं, भर दो प्याला हे प्रिय मेरे, जो दूर करे आज विगत के दुख और आगत के भय को, कल क्यों कल हो सकता है मैं हो जाऊं 7000 वर्षों के कल का अतीत। फिर आगे वो लिखते हैं, यहाँ घने गाछ के नीचे साथ में रोटी, मदिरा की सुराई, शायरी की किताब और तुम गा रही बगल में मेरे इस निर्जन भीहड़ में, अब तो स्वर्ग बनाकर ये निर्जन भीहड़ ही है। राज्य के बारे में ये एक नोट्स लेते हैं और राज्य की पूर्व अपेक्षा है कि वह बलप्रयोग की एक सार्वजनिक सत्ता जो अपने सदस्यों के संपूर्ण निकाय से पृथक हो चुकी है, ये एंजल्स की जो है उसमें से वो लेते हैं। और एंजल्स की जो किताब है उसमें परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति और उसी का संदर्भ यहाँ पर लेते हैं। आज हम आखिरी जो प्रश्न है आज का उस पर हम बात करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको कल देखेंगे। इसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने जो नोट्स लिया है वो आपके यहाँ आप इसको देख सकते हैं। पुराने ज़माने में कबीलों के बीच होने वाले
युद्धों द्वारा भ्रष्ट होते हुए नया रूप धारण, जीविकोपार्जन पार्जन के साधन के रूप में ढोर दास धन दौलत लूटने के लिए जमीन पानी के रास्ते से बाकायदा धावे, संक्षेप में धन दौलत की दुनिया को सबसे बड़ी चीज समझा जाने लगा। उसे प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। पुराने गोत्र समाज की संस्थाओं और प्रथाओं को भ्रष्ट किया जाने लगा ताकि धन दौलत की जबरदस्ती लूटना उचित ठहराया जा सके। ये जो आज जो हो रहा है ये वहाँ तब भी हो रहा था। अब केवल एक चीज़ दरकिनार थी, ऐसी संस्था की जो न केवल अलग अलग व्यक्तियों की नई हासिल की हुई संपत्ति को गोत्र व्यवस्था की पुरानी सामुदायिक परंपराओं से बचा सके, जो निजी स्वामित्व को जिसको पहले अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी न केवल पवित्र करार दे और इस पवित्रता को मानव समाज का चरम लक्ष्य घोषित कर दे, बल्कि जो संपत्ति प्राप्त करने और इसलिए धन दौलत के लगातार बढ़ते रहने के नए और विकसित होते हुए तरीकों को सार्वजनिक मान्यता की मुहर भी लगा दे, ऐसी संस्था की जो न केवल समाज के नवजात वर्ग विभाजन को बल्कि संपत्तिवान वर्ग द्वारा संपत्तिहीन वर्ग के शोषण किए जाने के अधिकार को, संपत्तिहीन वर्ग पर संपत्तिवान वर्ग के शासन को भी स्थायी बना दे। ये संस्था भी आ चुकी है, राज्य का आविष्कार हुआ है। जो राज्य सत्ता का जो की जो आलोचना है वो चाहे अंग्रेज सत्ता हो या दूसरी सत्ताएं हो, भगत सिंह सबके बारे में जो है उनका विरोध करते हैं। एक अच्छी सरकार की परिभाषा के बारे में वो कहते हैं, अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प कभी नहीं हो सकती। हेनरी कैंपबेल का वो स्टेटमेंट लेते हैं और हमें यकीन है कि सरकार का केवल एक ही रूप है, चाहे इसे जिस नाम से पुकारा जाए, जिसमें अंतिम नियंत्रण जनता के हाथों में होता है। अर्ल ऑफ बाल्फोर का वो स्टेटमेंट लेते हैं और ये तीन रेफरेंस इसमें देते हैं, एंजेल्स परिवार की संपत्ति के बारे में, सर हेनरी कैंपबेल की उसकी उदार ब्रिटिश उदारवादी राजनेता के बारे में और संभवतः आर्थर जेम्स के बारे में। ये उनके नोट्स लिए हुए हैं जो कि उनकी जेल की डायरी में अंकित है। आगे हम जो प्रश्न संख्या 10 से आगे दूसरे सेशन में उसको हम शामिल करेंगे, तब हम आपको डिस्कस करेंगे कि डायरी के आगे के पन्नों में भगत सिंह जी के किस तरह के जो विचार हैं वो सामने आते हैं या सामने आए हैं, उसको आप देखते रहिएगा। आपने इस को देखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो मोटिवेट किया, आपने सुना, उसके लिए शुक्रिया। आगे की क्लास के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। धन्यवाद।